पिछले साल इन्फिनिक्स ने भारत में लॉन्च किया था इन्फिनिक्स नोट 4, काफी अच्छे से बिका था। मुझे वो फोन मिला था, यानी मैं उस फोन को खरीदा था, अच्छा लगा था पर बहुत अच्छा तो नहीं लगा था। अब इस बार पिछले दिन इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया है इन्फिनिक्स नोट 4 का सक्सेसर नोट 5। अब इसका प्राइस है 9,999। क्या आपको ये लेना चाहिए? और इसी प्राइस में इससे थोड़ा सा ज्यादा आपको देना होगा, थोड़ा सा। इसमें आपको और एक फोन मिलता है, Asus ZenFone Max Pro M1, 3GB 32GB वाला वेरिएंट। क्या उसके साथ आपको जाना चाहिए? देखते रहिए ये वीडियो और आपको यह आइडिया आ जाएगा कौन सा फोन के साथ आपको जाना चाहिए। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, पैसा वेस्ट मत कीजिएगा, देखते रहिए वीडियो। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। तो चलो करबो ना देरी, शुरू करी तातरी। दोस्तों एक अनुरोध है आपसे, इस वीडियो में मेरा टारगेट है 700 लाइक्स। भाई अगर आपको ये पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक फोन का दो पहलू होता है, एक अच्छाई एक बुराई। तो Asus में भी अच्छाई है बुराई है, क्योंकि Asus का दो फोन मैंने यूज किया है, ZenFone Max Pro M1 का 3GB वाला वेरिएंट और 6GB वाला वेरिएंट। हर एक वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आज इस वीडियो में मैं देखूंगा यहां पे ZenFone Max Pro M1 आपको लेना चाहिए या Infinix Note 5। देखिए पहले मैं ये कह देता हूं, Infinix Note 5 का प्राइस है 9,999 जो 3GB 32GB वाला वेरिएंट है, और ZenFone Max Pro M1 का प्राइस है 10,999 जो 3GB 32GB वाला वेरिएंट है। चलिए अब टक्कर है बहुत भाई गजब का। देखिए दोनों ही फोन में आपको 5.99 इंच का फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, 2.5D का कार्ड ग्लास, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला आपको डिस्प्ले मिलता है। पर दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। पर अगर मेरे मानो तो मैं आपको ये कहूंगा ZenFone Max Pro M1 का डिस्प्ले क्वालिटी गजब का है, और ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से भाई कलर्स देता है, कलर्स पंची है। अगर आप YouTube में वीडियोस देखते हो या मूवीज देखते हो तो यहां पे आ गए हैं ZenFone Max Pro M1। चलिए आप बात करते हैं यहां पे डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। देखिए यहां पे दो पहलू हैं, एक लुक्स और एक भाई ड्यूरेबिलिटी। लुक्स की वजह से आप जाओगे तो आपको Infinix Note 5 बेहतर लगेगा, अगर ड्यूरेबिलिटी के साथ जाओगे तो आपको ZenFone Max Pro M1 अच्छा लगेगा। क्योंकि लुक्स वाइज Infinix Note 5 गजब का है। पीछे में आपको जो मिरर टाइप का जो डिजाइन दिया गया है, पर भूल मत कीजिएगा यहां पे प्लास्टिक यूज किया गया है, पर आपको मिरर टाइप का एक भाई फील लगेगा। पर वहीं दूसरी तरफ ZenFone Max Pro M1 में आपको मिलेगा मेटल बॉडी डिजाइन, ये बहुत ही अच्छा है, मैं यूज करता हूं और ड्यूरेबिलिटी गजब का है। तो अगर आप यूज करना चाहते हो एक लुक वाइज फोन तो आप Infinix Note 5 के साथ जाइए, पर आपको ये भी कह दे स्क्रैचेस लगने का चांसेस बहुत ज्यादा है Infinix Note 5 में। चलिए बात करते हैं अब यहां पे रैम एंड रोम की। दोनों ही फोन 3GB और 32GB के साथ आता है। दोनों ही फोन में आपको अलग से माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। दोनों ही फोन 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है, पर हां Asus ZenFone Max Pro M1 में आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, पर आपको Infinix Note 5 में मिल जाएगा। हर एक फोन का धड़कन होता है इसका प्रोसेसर, बात यहां से शुरू होता है। तो दोनों ही फोन में डिफरेंट काइंड ऑफ का प्रोसेसर मिलता है। आपको Infinix Note 5 में दिया गया है MediaTek Helio P23 का प्रोसेसर जो AI टेक्नोलॉजी पर आधारित है, पर आपको ZenFone Max Pro M1 में भाई मिलता है स्नैपड्रैगन यानी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर। दोनों ही प्रोसेसर ऑक्टा कोर बेस्ड है। Infinix Note 5 में जो Helio P23 मिलता है ये 2GHz पर क्लॉक है, और ZenFone Max Pro M1 में जो Qualcomm Snapdragon 636 मिलता है ये 1.8GHz पर आधारित है, और आपको Adreno 509 का GPU भी मिलता है। तो भाई परफॉर्मेंस Asus ZenFone Max Pro M1 का गजब का है। बैकग्राउंड में हेवी एप्स भी रन कर रहा है, और आप बहुत गेम्स भी खेलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको Qualcomm Snapdragon 636 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा। P23 भी बहुत ही अच्छा है, अगर आपको AI टेक्नोलॉजी से प्यार है आप इस प्रोसेसर के साथ जा सकते हो। अब मैं सही हूं ये तो मैं नहीं कहूंगा, आपका क्या राय है? आप क्या Qualcomm Snapdragon 636 के साथ जाना चाहते हो या Helio P23 के साथ? जरूर कमेंट कीजिएगा। जो प्रश्न आता है यहाँ पे वो कैमरा, भाई अभी जमाना है दो कैमरास का। Infinix Note 5 में आपको मिलता है सिंगल कैमरा पीछे में 12 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है f2.0, और आपको एक डुअल LED फ्लैश मिलेगा, पर भूल मत कीजिएगा यहाँ पे आपको डुअल टोन नहीं मिलता है। और आपको Asus ZenFone Max Pro M1 में मिलता है दो कैमरा,
पास जो प्राइमरी कैमरा है ये 13 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ, और जो दूसरा कैमरा है ये 5 मेगापिक्सल का बोके इफेक्ट के लिए, और आपको सिंगल एलईडी फ्लैश मिलता है। मैं आपको ये कह दूं, अगर आप बोके से प्यार करते हो या पोर्ट्रेट मोड आपको पसंद है तो आप जरूर एहसास के साथ जाओगे, क्योंकि मैं यूज करता हूं ZenFone Max Pro M1। मेरे चैनल पे आपको कैमरा रिव्यू भी मिल जाएगा गजब का, भाई पोर्ट्रेट मोड ही लेता है। पर हां, अभी के लिए थोड़ा सा यहां पे यानी Asus ZenFone Max Pro M1 में कैमरा में थोड़ा सा बग्स हैं, उम्मीद करता हूं Asus बहुत जल्द इसको ठीक भी कर देगा। और हां, आपको यह भी कह दे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपको इस फोन में मिलेगा। Mix Note 5 में बोके इफेक्ट तो मिलता है AI टेक्नोलॉजी से, पर आप भी जानते हो AI टेक्नोलॉजी से आपको आर्टिफिशियल काइंड ऑफ बोके इफेक्ट मिलेगा, जो दो कैमरास करता है वो सिंगल कैमरा नहीं कर पाएगा, और AI टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट के ऊपर ठीक से काम नहीं करता है। मेरे हिसाब से कैमरा में बेस्ट है Asus ZenFone Max Pro M1। अब दूसरा पहलू, अगर आपको सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा चाहिए तो आप Infinix Note 5 के साथ जा सकते हो, क्योंकि Infinix Note 5 में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है सामने में, और जिसका अपर्चर है f2.0, पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है Asus ZenFone Max Pro M1 में जिसका अपर्चर है f2.2, और आपको एक LED फ्लैश भी मिलता है। जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है Asus का वो उतना अच्छा नहीं है और बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक है, पर अपडेट से शायद ये भी ठीक हो जाएगा। Asus में आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी और Infinix Note 5 में आपको मिलता है 4500 mAh का बैटरी। आगे है Asus ZenFone Max Pro M1, आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है Infinix Note 5 में, और आपको AI टेक्नोलॉजी भर-भर के बैटरी में भी दिया गया है। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, आपको दोनों फोन में Android 1 मिलता है, दोनों फोन में आपको Android Oreo 8.1 मिलता है, और दोनों फोन में आपको अपडेट 2 साल के लिए मिल जाएगा, सिक्योरिटी पैच लेवल भी मिल जाएगा। इसका सेंसर, दोनों फोन में आपको सभी सेंसर्स मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों फोन में पीछे में दिया गया है। पर हां, Asus ZenFone Max Pro M1 थोड़ा सा स्लो है, पर ठीक काम करेगा अपडेट के बाद। आपको Infinix Note 5 में फेस अनलॉक नहीं मिलता है, पर आपको Asus ZenFone Max Pro M1 में फेस अनलॉक मिलता है, थोड़ा सा स्लो है पर अपडेट से ठीक हो जाएगा। आप कौन सा फोन लेना चाहिए? भाई मेरा कहना यह है Asus ZenFone Max Pro M1 अच्छा रहेगा, 9000 और 10500 अभी के लिए जो गजब का सेल चलेगा। भाई 500 एक्स्ट्रा देकर आपको Asus में मिलता है मेटल बॉडी डिजाइन, 5000 एमएच बैटरी, डुअल बैटरी बैकअप, गजब का डिस्प्ले, और आपको मिलता है गजब का स्पीकर यानी साउंड क्वालिटी, क्योंकि यहां पे आपको मिलेगा NXP स्मार्ट एम्पलीफायर, और इसके साथ आपको मिलेगा 5 मैग्नेटिक शील्ड स्पीकर। और एक बात, ब्रांड वैल्यू तो भाई मैटर करता है, तो मेरे हिसाब से Asus ZenFone Max Pro M1 गजब का रहेगा। अब आपका कमेंट जरूर कीजिएगा, आप कौन से फोन के साथ जाना चाहते हो, Infinix Note 5 या आप Asus के साथ जाना चाहते हो। थैंक यू।